जो मैं तरीका बताऊंगा ना उससे आपको बार बार ये कमीशन वर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हेलो आर्टिस्टो, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है ये कमीशन वर्क के ऊपर होने वाली है और अर्निंग के ऊपर होने वाली है कि एज एन आर्टिस्ट आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। सो मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों के मैसेज आते रहते हैं कि सर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम एक आर्टिस्ट बन चुके हैं और हमारा एक आर्टवर्क जो है सेल होना है, वो किस तरीके से सेल होगा। और इसके ऊपर मैं आज एक सीरियस पॉइंट के ऊपर ही बात करूँगा। अर्निंग के ऊपर तो बात होगी होगी, साथ में और भी चीज़ों के ऊपर बात होगी जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए एज एन आर्टिस्ट बनने के लिए, चाहे फिर आपको उसके लिए जो है अर्निंग करनी है एज एन आर्टिस्ट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। सबसे पहले जो मेरी बात है वो इससे रिलेटेड है कि जब भी हम एज एन आर्टिस्ट कि हमें अर्निंग करनी है, कमीशन वर्क चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हम डेस्परेट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि अर्निंग क्यों नहीं हो रही यार, एज एन आर्टिस्ट हमें अर्निंग करनी है, पैसे नहीं कमा पा रहे। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार में पैसा नहीं है, ये नहीं है, उससे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे। तो मैं सबसे पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि देखो अर्निंग होती है हर चीज़ टाइम से होती है। अब आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले दिन ही आप अर्निंग करने लग जाते हो। पहले 4 साल पढ़ते हो ना, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। वैसे ही हमारी आर्ट में भी है कि पहले से आप थोड़ा सीखते हो, आपके हाथ में स्किल होनी चाहिए, तभी कोई आपको जो है काम देगा आगे जाके। लेकिन आर्ट में इस चीज़ का हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सबसे अच्छी बात है फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आर्ट के अंदर में सबसे ज़्यादा, किसी करियर ऑप्शन में ये चीज़ नहीं मिलती कि आप अगर शुरू में ही थोड़ा बहुत सीखने लग गए हो आर्ट, थोड़ा बहुत आपको आप पोर्ट्रेट बना लेते हो, फेस मैच करने लग जाते हो, जहाँ पर आप फेस मैच करने लग जाते हो वहाँ आप थोड़ी बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। उस पर भी आएंगे कि अर्निंग कैसे करनी है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो उसको आपको अच्छे से जो है सुन लेना उन सब बातों को, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक जो मुझे एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कमीशन वर्क का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको पता होना चाहिए कि शुरू में हम इतना डेस्परेट हो रहे हैं लेकिन इससे नेगेटिव पॉइंट भी है, तो उस पर भी हम जो है बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फोकस पॉइंट है ना आपका अर्निंग से भी पहले, क्योंकि बहुत से बिगिनर्स भी मैसेज करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, तो जब मैं उनका काम देखता हूँ तो देख के पता चलता है कि कहीं से कहीं तक फेस जो है मैच नहीं हो रहा। तो जब तक आपका फेस मैच नहीं करेगा ना, देखो क्लाइंट को चाहिए कि फेस उसका मैच होना चाहिए एक्यूरेट तरीके से। जब तक आपका फेस मैच नहीं करेगा तब तक जो है आपको कोई भी काम नहीं देगा एज ए आर्टिस्ट, ठीक है। और जब आप आर्टिस्ट भी नहीं कहलाओगे, इस पॉइंट पे भी मैं आऊँगा कि जब तक आप आर्टिस्ट नहीं कहलाओगे, ठीक है, तो जब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनोगे तब तक आपको वो अर्निंग नहीं मिलेगी। तो क्या अभी आप पूरी तरीके से आर्टिस्ट बने नहीं हो? और हम ये बात बोलने लग जाते हैं कि यार आर्ट में अर्निंग नहीं है, पर अभी आप पहले आर्टिस्ट तो बनो पहले अर्निंग करने के लिए। आप डॉक्टरी कर रहे हो, ठीक है, डॉक्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ। डॉक्टरी में पहले थोड़ी ना सर्जरी करने पहुँच जाता है डॉक्टर, या कोई भी बीमारी का इलाज करने पहुँच जाता है, पहले डॉक्टर बनता है ना वो, उसी तरीके से पहले आपको आर्टिस्ट बनना है। सो ये थोड़ा सा आपको रूड लग सकता है मेरी तरफ से कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अभी हम आर्टिस्ट नहीं बने, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंटों के मैसेज आए हैं, कॉल आए हैं, उन्होंने बोला कि सर मैं तो अभी आर्टिस्ट बन चुका हूँ, पहले मैं बिगिनर था, मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ और मुझे कमीशन वर्क नहीं आ रहे हैं। मैंने उसको स्टूडेंट को बोला कि देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम होती ना तो आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ता कि मैं आर्टिस्ट बन चुका हूँ। अभी आप आर्टिस्ट बने नहीं हो, आपको ये एक इन्फ्लुएंस हो रहा है बेसिकली, कहीं ना कहीं एक रूडनेस में बिहेवियर आ जाता है, या फिर जिसको बोलते हैं हम, घमंड तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन हाँ एक हम्बलनेस नहीं है हमारे। जब तक ये हम्बलनेस नहीं आएगी ना तब तक जो है आप सीख नहीं पाओगे, लर्निंग नहीं कर पाओगे आगे की। तो जब मैंने उनका काम चेक भी किया तभी मुझे पता लगा कि ये अभी बिगनर ही है, ठीक है, ये अभी उस लेवल से नहीं पहुँचे हैं, प्रोफेशनल लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, और इंटरमीडिएट तक थोड़ा सा पहुँचे हैं लेकिन अभी बिगनर ही हैं, अभी बिगनर बिगनिंग में ही इनका काम जो है चल रहा है। तो उसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो फेस मैच करने लग जाओगे यहाँ पे, वहाँ पे जो आपको कमीशन वर्क शुरू में मिलने लग जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अभी मैं आने वाला हूँ, ठीक है। आपने शुरू में सीखा, सबसे पहला पॉइंट क्या था, लर्निंग के ऊपर, आपको लर्निंग करनी है, आपको अच्छे से सीखना है। अच्छे से सीखने के लिए आपको राइट मेंटोर चुनना है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा है कि मेरे पास भी आते हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर, कई लोग बोल रहे हैं कि सर वो फीस इतनी कम ले रहा है, वो फीस उतनी ज़्यादा ले रहा है, तो आपको वो चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना है। देखो हर आर्टिस्ट की अलग अलग फीस होती है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना कि कम फीस के चक्कर में आप किसी गलत इंसान से सीखो या गलत जगह जाके सीखो। आपको सही जगह सही पॉइंट्स पर सीखना है, और वो चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी है।
शुरू में हमें समझ नहीं होती कि क्या गलत है और क्या सही है। वो समझ होना सबसे बड़ी बात है कि आप सही मेंटोर से सीखो, सही मेंटोर से लर्निंग लो, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको शुरू में सिर्फ और सिर्फ कमीशन वर्क पर ध्यान नहीं देना, लर्निंग पर फोकस करना है, सीखना है और अपनी आर्ट को इम्प्रूव करते जाना है। तो कमीशन वर्क का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब आप कमीशन वर्क करने लग जाओगे, आपको कमीशन वर्क मिलने लग जाएंगे, तो आप अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर मैं तो कमीशन वर्क कर रहा हूँ तो मेरी तो लर्निंग हो रही है ना, नहीं उस पर भी मैं आऊँगा, क्यों कमीशन वर्क करने से आपकी लर्निंग नहीं हो रही है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो ना तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते कमीशन वर्क के अंदर, और आप ग्रिड से बनाते हो कमीशन वर्क, मोस्टली जो काम होते हैं ग्रिड से होते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी वैसे ही वहाँ पे लर्निंग नहीं होती और सेम सेम चीज़ें रिपीट होती है, सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। और ज़्यादा कमीशन वर्क करने से आपको अपनी लर्निंग के ऊपर टाइम नहीं मिलता, आप फोकस नहीं कर पाते हो, ठीक है, कि और फिर आपका दिमाग बहुत मनी माइंडेड हो जाता है। सो वो भी एक चीज़ दिक्कत करती है। देखो मनी माइंडेड होना बुरा नहीं है, लेकिन आर्ट के अंदर शुरू में लर्निंग पे फोकस ना करना वो ज़्यादा बुरा होता है, कि आप सिर्फ कमीशन वर्क में ही बंद के रहोगे, आप एक चीज़ में बंद जाओगे फिर उसमें, जैसे कि वो आपके एक जॉब की तरह हो जाएगा कि आपको पूरे दिन आप जॉब में लगे हो, कमीशन वर्क कर रहे हो, फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपनी स्टडी के ऊपर। भी मैं आऊँगा उसका सलूशन क्या होगा। देखो आपको कमीशन वर्क आने चालू हो गए, ठीक है, अब आपको एक बैलेंस बना के चलना है कि मैं दिन में एक कमीशन वर्क करूँगा या हफ्ते में एक कमीशन वर्क करूँगा। चाहे आपको ज़्यादा ही कमीशन वर्क क्यों ना आ रहे हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और आप बोलोगे सर अभी तो कमीशन वर्क कुछ आ ही नहीं रहा, आप कैसी बातें कर रहे हो, वो उस पर भी मैं आऊँगा कमीशन वर्क कैसे मिलेंगे, क्योंकि जो मैं तरीका बताऊँगा ना उससे आपको बार बार ये कमीशन वर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कमीशन वर्क नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ उतने ही कमीशन वर्क लेने हैं जितना कि आपका जो है आर्ट का स्टडी का खर्चा निकले और आपका आर्ट का मटेरियल का खर्चा निकल जाए, थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। ये नहीं कि बस पागल ही हो गए हो, दिन के 10-10 कमीशन वर्क कर रहे हो और अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। हाँ शुरू में कर सकते हो, अगर आपको पैसा जोड़ना है तो उसमें शुरू में आप कर सकते हो। ये पॉइंट आपको गार्ड मान लो या उसको लिख लो, ऑलवेज लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए आपका। माइंडसेट कहीं से ही बंद नहीं होना चाहिए कि बस मुझे सब कुछ आ गया। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आपने देखे भी होंगे कि वो सिर्फ एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, एक ही स्केचेस बना रहे हैं, कमीशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप खुद समझ जाओगे सिर्फ एक ही तरीके का कमीशन वर्क कर रही और कुछ और भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बंद चुके हैं उसी चीज़ के अंदर कमीशन वर्क करने के ऊपर, क्योंकि फिर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, खर्चे बच जाते हैं, फिर उन चीज़ों में फंस जाते हो, या फिर आपने महंगा आईफोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, फिर आपने उसकी किस्त बांध ली, तो फिर आपको वो काम करना पड़ेगा। तो आपको बांधना नहीं अपने आप को, ठीक है, स्पेशली कमीशन वर्क के अंदर तो बिल्कुल नहीं बांधना। आपको लर्निंग के ऊपर फोकस रखना है और ऑलवेज लर्निंग माइंडसेट रखना है आपको, अगर आपको बड़ा आर्टिस्ट बनना है फ्यूचर में जाके। मैं आपको इस पॉइंट पे आता हूँ कि आपको आपने सीख लिया, आप फेस मैच करना सीख गए, अब आपको जो है करना है आपको अर्निंग करनी है थोड़े बहुत, घर वाले ताने दे रहे हैं या कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। सो आपको थोड़ी बहुत अर्निंग करनी है, तो वो अर्निंग आपकी कैसे स्टार्ट होगी, देखो सबसे पहले आपको हम्बलनेस रखनी है। मैंने पहले बोला था हम्बलनेस रखो अपने अंदर एटीट्यूड मत आने दो, और ये मत बोलो कि हाँ मैं तो आर्टिस्ट बन गया, बिकॉज यू आर नॉट आर्टिस्ट राइट नाउ, अभी आप बिगनर हो, अभी आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तब आप इस वीडियो को नहीं देखो, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमीशन वर्क के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्या पॉइंट था हमारा, कि अपने दिमाग में अभी ये चीज़ रखो, हम्बलनेस रखो, ठीक है, हम्बलनेस के साथ क्लाइंट के साथ डील करो। आपको कोई भी क्लाइंट मिल रहा है शुरू में आपको सस्ते से सस्ता काम करना है, अगर वो मोल भाव करने को बोल रहा है तो मोल भाव कर लो शुरुआत में, ठीक है, क्योंकि अभी आप बड़े आर्टिस्ट नहीं हो, अभी आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि आप वो एटीट्यूड लेके चलो कि हाँ भाई मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ और ये मोल भाव कर रहा है, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। वो एटीट्यूड अभी आपको शुरू में जो है लेके नहीं चलना है, ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। शुरू में आपको हम्बलनेस रखनी है, अगर वो थोड़ा बहुत सस्ता करने को कह रहा तो करो। कितने से कम में आप जा सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर भी। अगर आप एक अच्छे एरिया में रहते हो तो आपको हो सकता है, आप एक बिगिनर भी हो फिर भी आपको कोई 1,000 रुपये दे दे, ठीक है, 2,000 रुपये दे दे अगर आप एक अच्छे एरिया, अगर आप लोकल एरिया में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो वहाँ आपको भूल जाओ कि कोई 1,500 रुपये तक देगा, उनका स्टार्टिंग रेंज 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इतना होगा, ठीक है। हमने भी बहुत सस्ते में काम किया, मेरा जो फर्स्ट कमीशन वर्क जो मैंने किया था अपनी लाइफ में वो मैंने 250 रुपये में किया था, ठीक है, बहुत सस्ते में किया था 250 रुपये में। हो सकता है कि आपको 50 रुपये में भी करना पड़े, या हो सकता है आपको फ्री में भी करना पड़े, अगर फ्री में भी करना पड़ रहा है तो वो भी करो। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं फ्री में नहीं करना काम, अपनी कला को फ्री में नहीं बेचना। अरे वो ठीक है, वो उनके लिए होता है जो बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं,
ये फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा। अगर बोला ना हम्बलनेस लेके चलनी है, देखो आपके पास दोस्त आते हैं, बहुत से दोस्त होंगे जो बोलेंगे यार मेरा स्केच फ्री में बना दें, या इसका स्केच उसका स्केच फ्री में बना दें, मेरे दोस्त का इसका उसका। आपके रिश्तेदार बोलेंगे, ठीक है, लोग रिश्तेदारों को हेट करने लग जाते हैं, दोस्तों को हेट करने लग जाते हैं, फ्री में स्केच बनवा रहा है मेरे से। अरे वो दोस्त आपके काम भी तो आता है ना, वो दोस्त आपकी मदद भी तो करता है, तो अगर आप उसका फ्री में स्केच बना दोगे तो कुछ बुरा थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, तो शुरू में आपको कुछ दोस्तों की फ्री में स्केच बना के देने पड़ेंगे, और फ्री में आपको उन्हीं दोस्तों के स्केचेस बनाने जो आपके अच्छे दोस्त हैं। ये नहीं कि मतलब किसी का भी बना दिया, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अभी उस पॉइंट पे हम आएंगे। अच्छे दोस्त मतलब जो आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन, आपके कज़न्स हैं, उनके आप स्केचेस बनाओ, उनको बर्थडे गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, वो भी खुश हो जाएंगे आपसे, वो अपने घर में लगा के रखेंगे। तो जितना ज़्यादा काम आपका दूसरों के घरों में लगा होगा ना अपने घर में रखने की बजाय, उतने ही आपके पास कमीशन वर्क आने के चांसेस होंगे, क्योंकि आपने दोस्त का बनाया, उसने अपने घर में ला के रखा, उसके चार दोस्त आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे अरे ये है, ये स्केच बनाता है, ऐसे ऐसे बात है, फिर आपको वहाँ से पहला ऑर्डर आएगा। वो ऑर्डर कितने का भी हो सकता है, 200 रुपये का, 250 का, 500 का, 100 रुपये का, कर दो उसको, कम से कम में कर दो। और शुरू में आपको जो है ज़्यादा स्केचेस बना, मतलब इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, कमीशन वर्क अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और ग्रिड के ऊपर ही बात करेंगे कि ग्रिड से बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए कमीशन वर्क, तो आपको जो कमीशन वर्क है वो सारे मोस्टली ग्रिड से ही बनाने होते हैं, क्योंकि वहाँ आपको एक्यूरेट फेस को जो है मैच करना है। आप वहाँ पे फ्री हैंड करने जाओगे कोई ना कोई दिक्कत आए, टेढ़ी हो रही है कभी लिप्स, और इतना टाइम होता भी नहीं है, तो ग्रिड से बना लो। कमीशन वर्क के लिए ग्रिड जो है हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो टोटली अलाउड है कमीशन वर्क के लिए। इसलिए मैं बोल रहा था कमीशन वर्क में आपकी ज़्यादा लर्निंग नहीं होती है, क्योंकि आप ग्रिड से ड्रॉ करते हो, और फ्री हैंड करते हो तो वो प्रैक्टिस वाले काम में आ जाता है आपका, ठीक है, प्रैक्टिस जो भी आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी, आपने ज़्यादा कमीशन वर्क करे, अपने दोस्तों के फ्री में स्केचेस करे, उन्होंने घर पे लगाए, उनके थ्रू आपका पहला ऑर्डर आया 100 रुपये का, 200 रुपये का या 500 रुपये का, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको, रिश्तेदारों के दोस्तों के शुरू में फ्री में स्केचेस बना के दे दो। उसके बाद जब आपके पास कमीशन वर्क आने लग जाएंगे तब आपको फ्री में स्केचेस बनाना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में या सस्ते में, जब आपके पास अच्छे खासे ऑर्डर आने चालू हो जाए तब आप अमाउंट बढ़ा सकते हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, तब आप कर सकते हो। लेकिन शुरू में आपको फ्री या फिर सस्ते से सस्ते में काम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में आपका काम पहुँचे। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। एक टिप आप ये यूज़ कर सकते हो कि फ्रेंड सर्कल में आप स्कूल में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, तो हम वहाँ पर कौन सा ऐसा स्टूडेंट है या कौन सा ऐसा बच्चा, हर कॉलेज में होता है, हर जगह पर कोई ना कोई होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, ठीक है, तो आपको उस फेमस बंदे से दोस्ती कर लेनी है। दोस्ती कैसे करोगे, उसका स्केच बना के दे दो उसके बर्थडे वगैरह पे, तो वो खुश हो जाएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा, तो वो आपकी वैसी मार्केटिंग कर देगा वहाँ पे स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो आपको उससे भी कमीशन वर्क आएंगे, और ये बहुत अच्छा आइडिया है। दूसरा आइडिया भी ये कर सकते हो, ये जो मैं फॉर्मूला टिप्स बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे मैं बता रहा हूँ आपको। तो कोई भी आपकी गली में लोकल या कोई नेता है, ठीक है, लोकल नेता हो गया, या बहुत सारे ऐसे नेता हो गए, पुलिस वाले हो गए, या फिर कोई भी ऐसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में है जिसका एक ऑफिस है अच्छा सा, तो उससे आप बात कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आप एक पोर्ट्रेट बना के उसको दे सकते हो, उसके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो, वो उसको अच्छा सा पोर्ट्रेट फ्रेम करके गिफ्ट कर सकते हो, और ताकि वो अपने ऑफिस में उसको लगाए, तो जब वो अपने ऑफिस में लगाएगा कोई नेता या कोई भी लोकल नेता है, तो जब वो देखेगा तो उसके जो ऑफिस में और भी अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ठीक है, जब वो देखेंगे कि हाँ भाई ये कमीशन वर्क लगा हुआ है, तो आपकी वहाँ पे फ्री मार्केटिंग हो जाएगी। ये मार्केटिंग वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पॉपुलर लोगों को पकड़ो, घर के जो लोकल नेता वगैरह उनको पकड़ो, ये ऑफलाइन मार्केटिंग के तरीके हैं। तीसरा तरीका क्या कर सकते हो आप, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं ना आपके, कोई भी लोकल में होगा, गूगल मैप पर आप सर्च कर सकते हो, उनसे जाके बात करो, उनसे जाके टाई अप करो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, आर्टिस्टों से टाई अप करो, जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे कि किसी कोई भी बड़े आर्टिस्ट जिसको भी आप जानते हो, कोई यूट्यूबर है, कोई भी है, उनको आप टारगेट करो, उनको मैसेज कर सकते हो कि हाय सर, मैं आपके लिए एक मैसेज, आपके लिए स्केचेस बना सकता हूँ, या इस तरीके से कर सकता हूँ। तो क्या होता है, उनके पास जो ऑर्डर्स आते हैं, मान के चलो मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं कमीशन वर्क के, तो मुझे कोई आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने से जो छोटा आर्टिस्ट है उनको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसे आर्टिस्ट करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो करते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हो कि सर मैं आपके लिए काम कर लूँगा, अपने स्केचेस वगैरह भेज सकते हो उस पर। अभी एक चीज़, एक पॉइंट और है उसके पे, उसके भी ऊपर हम आएंगे, ठीक है। तो उनको भेज के उनको अप्रोच कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर को अप्रोच कर सकते हो,
फोटोग्राफर्स जो होते हैं ना उनको अप्रोच करो, बोलोगे फोटोग्राफर्स का क्या काम होता है इसमें, उनका भी काम होता है ठीक है, उनके पास भी ऑर्डर्स आते हैं स्केचेस बनाने के। और जो गिफ्ट शॉप्स होती है ना, जो आपने देखा होगा आपके लोगों में बहुत सारी गिफ्ट शॉप्स होंगी, उनसे टाइप करो, उनके पास भी आते हैं ऐसे काम, किसी को पेंटिंग बनवानी कुछ बनवाना है तो गिफ्ट शॉप्स हो गई, क्राफ्ट शॉप्स हो गई ठीक है, पेंटिंग की शॉप्स भी होती हैं जहाँ पर सस्ती पेंटिंग्स मिलती हैं, उनसे आप टाइप करो। ये सब चीज़ें आपको गूगल मैप पे मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे तो, पेंटिंग्स की शॉप्स होती हैं उन पर, वहाँ पर सस्ती पेंटिंग्स मिलती हैं, उनसे जाके बात कर लो, उनसे जाके टाइप कर लो। इन सब के नंबर अपने फ़ोन में लेके रखो, सबसे टाइप करके रखो, ताकि कल को कोई काम आपको मिलता है तो वो इन्हीं के थ्रू आपको काम जो है मिलेगा। तो ये बहुत हिडन चीज़ें भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई ये चीज़ें नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे स्पेशली ठीक है। उसके बाद एक होता है सोशल मीडिया अकाउंट, के सोशल मीडिया अकाउंट आपने बना लिया, आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हो गए, वहाँ से आपको स्केचेस मिलने, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है, अगर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे तो। लेकिन ये जो टेक्निक बता रहा हूँ ना, इससे और ज़्यादा स्केचेस मिलेंगे ऑफलाइन मार्केटिंग से आपको, कि आपने टाइप वगैरह कर रखे यहाँ वहाँ जाके। पर सारी पॉइंट में बात वही आएगी कि आपको काम जब भी मिलेगा, जब आपका काम अच्छा होगा, जब आप फेस को अच्छे से मैच करना सीख जाओगे ठीक है। तो फोकस हमेशा अपनी लर्निंग के ऊपर रखना है, भले ही आप सीख भी जाओ तब भी आपको लर्निंग के ऊपर अपना फोकस रखना है। तो एक जो फॉर्मूला ये है, एक टिप है कि अगर आपको अर्निंग करनी है एज एन आर्टिस्ट, तो इंडिया में एक तो पोर्ट्रेट का काम बहुत बिकता है, कि आपने कमीशन पर कर लिया, आपके पास पोर्ट्रेट वर्क सारे तो वो बहुत बिकते हैं। दूसरा आपका है गॉड्स की पेंटिंग या भगवानों की पेंटिंग जो होती है ठीक है, तो भगवानों की पेंटिंग्स आपको बना के रखनी है, पहले पोर्टफोलियो बना के रख लेना, पोर्टफोलियो पे भी आऊँगा मैं ठीक है। ठीक है, आपको भगवानों की पेंटिंग्स बना के रखनी है, गणेश जी की हो गई, शिव जी की हो गई, भोलेनाथ की, कृष्ण जी की ठीक है, तो ये पेंटिंग्स, सरस्वती माता जी की हो गई, ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं इंडिया में स्पेशली। आप कोई भी पेंटिंग शॉप जाओगे ना, लोकल पेंटिंग शॉप्स आपको मिल जाएंगी, बुद्धा की और ये सारी पेंटिंग्स वहाँ पे बहुत सारी बिकती हैं, तो आप वहाँ पे सस्ते में पेंटिंग्स ईजिली बेच सकते हो, बहुत दबा के पेंटिंग बिकती हैं ये वाली ठीक है। सो थोड़ा बहुत अगर आपने एक्रेलिक कलर आप जानते हो करना, एक्रेलिक पेंटिंग बहुत ज़्यादा बिकती हैं बेसिकली इंडिया में, क्योंकि जल्दी बन जाती हैं वो, या ऑयल पेंटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए आपको पेंटिंग सीखनी पड़ेगी। अभी तो कमीशन वक्त तो स्केचेस से हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पेंटिंग वगैरह जो है सीखनी पड़ेगी अच्छे से। सो ये भी आप कर सकते हो, अगर आप पेंटिंग बनाना सीख जाओ तो आप गॉड्स वगैरह, भगवानों की पेंटिंग्स, कुंदा वगैरह, ये सारी पेंटिंग्स आप सेल कर सकते हो बना के ठीक है, पेंटिंग शॉप पर टाइप करके, इंटीरियर डिज़ाइनर से टाइप करके। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती है ये बहुत बिकती है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सीख सकते हो आप ठीक है, उनको बना के जो है आप सेल कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर वालों से बात कर सकते हो, वो आपकी जो है ईजिली पेंटिंग जो है सेल करवा देंगे। किसी को इंटीरियर में अपने घर में लगाने के लिए पेंटिंग चाहिए तो वो आपकी पेंटिंग जो है लगा लेगा, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है आपकी ठीक है, कोई पेंटिंग है। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो गया आपका। तो हम नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर ठीक है। तो आपको अपनी ब्रांडिंग करके रखनी है। ब्रांडिंग कैसे करोगे आप अपनी, सबसे पहले आपको एक कोई कलर सेलेक्ट कर लो, अगर आपको पेंटिंग नहीं आती आप ब्लैक एंड वाइट कलर चूज़ कर सकते हो, आप वेबसाइट बनवा सकते हो अपनी ठीक है, वेबसाइट सस्ते में बन जाती है, 2-3 हज़ार में आपकी वेबसाइट बन जाएगी ठीक है, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट पर, वो आप खुद भी यूट्यूब से देख के बना सकते हो। दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम, अगर आप वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल तो बना के रखो, और प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज कर करो। बहुत से लोग मैंने देखा अपनी फ़ोटोज़ से भर देते हैं उसको, कहीं घूमने जा रहा हूँ फ़ोटो डाल दी, ये डाल दी, वो सब नहीं करना आप। आपको क्लीन अपने सुंदर सा आर्ट वर्क बनाओ, उसको जो है क्लीन जो है प्रोफाइल रखो, सिंपल रखो, कुछ ज़्यादा उसमें ताम झाम ग्लिटरी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा रखो उसको, प्लेन एक बैकग्राउंड रखो, उस पर स्केच की फ़ोटो खींचो और जो है अपलोड कर दो ठीक है। और स्केच की फ़ोटो भी जो आपको खींचनी है वो एकदम क्लीन और अच्छे से खींचनी है, सनलाइट में खींचो उसकी फ़ोटो ठीक है, अंधेरे में मत खींचो, कैमरे को पीछे से साफ़ करो पहले कपड़े से ठीक है, फिर उसको जो है कपड़े या पेपर साफ़ करके फिर उसको अच्छे से ऐसे रखो, कैमरे को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत रखो, सीधा कर रखो उसकी, अच्छे से एक फ़ोटो खींचो और फिर उसको अपलोड करो इंस्टाग्राम पे ठीक है। तो अच्छी अच्छी ऐसे फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो सिर्फ प्रोफाइल में लगा के रखो, अच्छी सी फ़ोटो लगा के रखो सिर्फ यहाँ तक की फ़ेस की। सो आप मेरी प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो ठीक है, उसके लिए आपको कैसे करना है। सो इस तरीके से आपको अच्छे से एक प्रोफाइल मेंटेन करके रखनी है, इससे क्या होगा आपका एक पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर। किसी को भी आपको काम भेजना होगा तो आपको अपने वर्क नहीं भेजने पड़ेंगे, सीधा वो उठा के भेज दिया इंस्टाग्राम का। दूसरा आप एक PDF में बना सकते हो, PDF बनाने के लिए कोई भी आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसके अंदर अपने 8, 10, 20, 30 काम डाल के रख लो, PDF के अंदर एक पोर्टफोलियो बन जाएगा PDF का। तो किसी भी क्लाइंट को भेजना है तो वो PDF आप उसको भेज सकते हो,
तो PDF भी आपको बना के रखना है, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको बना के रख लेनी है पहले से। रील्स का ज़माना है तो आप रील्स बनाओ अपने आर्टवर्क की, अपने आर्टवर्क को प्रमोट करने के लिए। और ऑफ़र्स निकालो, जैसे कि दिवाली ऑफ़र, ये ऑफ़र, वो ऑफ़र, 50% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ऐसे कर करके ऑफ़र की पैम्पलेट बना लो, ठीक है, वो छाप दो इस तरीके से। अपने कुछ कार्ड बना लो, कार्ड बनाओगे तो बहुत प्रोफेशनल लगेगा, कार्ड छपवा लो, ठीक है। किसी भी शॉप पे जा रहे हो उसको अपना कार्ड दे दो, जैसे कि स्टेशनरी शॉप हो गई, ठीक है, या फिर गिफ्ट शॉप हो गई, या फिर फोटोग्राफर हो गई, इनको अपना कार्ड दे दो। कार्ड देना थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, तो कार्ड दे के आ जाओ। और कार्ड छपवाओ तो अच्छा सा छपवाओ, थोड़ा महंगा सा कार्ड होता है ना, वो छपवाओ अच्छा सा, वो दे के आओ, ताकि उसको लगे कि आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनली काम करते हो। तो ये कुछ चीज़ें जो ब्रांडिंग के पॉइंट से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, आपका काम धीरे धीरे जो आपको और धीरे धीरे काम मिलने लगेगा, क्योंकि आप इससे थोड़े प्रोफेशनल दिखोगे। और बहुत से लोग ऐप्स वगैरह पूछते हैं, क्या ऐप वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो ऐप के लिए देखो, ऐसे सबसे जो अच्छा काम करता है वो आपका इंस्टाग्राम है, आपके सोशल मीडिया जो ऐप्स होते हैं, यही आपको मेनली काम ला के देते हैं। दूसरा एक साची आर्ट है, साची आर्ट करके एप्लीकेशन है, बेसिकली वेबसाइट है। और दूसरा है आपका इट्सी, तो ये कुछ कुछ इनके पेड वर्जन भी होते हैं, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं करे इट्सी और साची आर्ट यूज़ करा था, ठीक है। तो इन दोनों को आप यूज़ करके देख सकते हो, ट्राई करके देख सकते हो इनके फ्री वर्जन। अगर आपको कुछ कुछ काम आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो फिर आपने कौन से इसमें पैसे लगाए, ठीक। तो साची आर्ट एक वेबसाइट है और इट्सी एक वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, वो सबसे अच्छी वेबसाइट है, जिस पर कि आप अपना पोर्टफोलियो बेसिकली मेंटेन करके रख सकते हो, बना के रख सकते हो अच्छे से। इसमें आपके फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे तो आपका काम भी बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब भी आप कोई काम ले रहे हो, ठीक है, कोई भी आप आर्टवर्क ले रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आपसे स्केच बनवा लेंगे और फिर आपको पैसे नहीं देंगे। तो उसके लिए आप पहले 50% पेमेंट आप पहले ले सकते हो, उसके बाद आप स्केच बना सकते हो। ये थोड़ा जब आप करने लग जाओगे काम, तब आप ये कर सकते हो कि 50% पेमेंट मैं पहले लेता हूँ, ठीक है, और 50% काम होने के बाद मैं लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, आप कमीशन वर्क का प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शुरू में आपको जो है कम प्राइस रखना है, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी नहीं मिला तो फ्री में भी करो, ठीक है, लेकिन करो आर्ट वर्क। आपका ज़्यादा काम लोग के घर में पहुँचेगा तो आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, माउथ टू माउथ जो है आपकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो कम से कम करो शुरू में, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको प्राइस बता दिया, 100, 200, 250, आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। और आपको ये भी टेंशन होती है कि कैसे प्राइस डिसाइड करें, बहुत लोग बोलते हैं कि अपना टाइम और अपना आर्ट मटेरियल इसको जोड़ो, ये करो, इतना तामझाम दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा और सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको खुद ही पता लग जाती है। जैसे जैसे एज एन आर्टिस्ट आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना, आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपको क्या प्राइस रखना है अपनी आर्ट वर्क का। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये बिगिनर्स ही पूछते हैं, तो बिगिनर्स के लिए सीधा साधा सिंपल सा आंसर है, अगर आपको कोई 1000 रुपये, 800 रुपये दे सकता है तो आप उसे ले लो 1000-1800 रुपये, फ्लेक्सिबल रहो। अगर आपको कोई इतने अमाउंट नहीं दे सकता, आपके एरिया में इतना लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो 100-200 से ही शुरुआत करो, ठीक है, कम से कम में शुरुआत करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद फिर आप 500, 1000, 2000, 3000 तक जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ स्केच वर्क के लिए बोल रहा हूँ, पेंटिंग के लिए चार्जेस थोड़े से ज़्यादा रख सकते हो, उसमें आप थोड़ा आर्ट मटेरियल देख सकते हो, क्योंकि उसमें असली कॉस्ट आएगी आपके आर्ट मटेरियल की, उसमें आपका कैनवस भी लगेगा, उसमें आपके कलर्स भी लगेंगे, तो उसका आप थोड़ा बहुत जोड़ के जो है उसके बाद उसका थोड़ा डबल करके कर सकते हो। हालांकि शुरू में कम ही रखो, ठीक है, आर्ट मटेरियल आपका 20 रुपये का अगर लग रहा है, 50 रुपये का लग रहा है, तो 100 रुपये चार्ज करो इस तरीके से। अगर 50 रुपये का आर्ट मटेरियल लग रहा है तो 100 रुपये चार्ज करो इस तरीके से, शुरू में कम से कम ही रखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आने तो लग जाए कम से कम। आई होप कि वीडियो को पसंद आई होगी। अब आप कोई चीज़ें परेशान नहीं करेंगे कि कमीशन वर्क हमें कैसे करने हैं, कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि सारी टिप्स वगैरह मैंने आपको बता दिया। अभी जो भी टिप्स हैं ये सिर्फ सुन के तो काम नहीं करेंगी, तो जब आप इसको करोगे, अप्लाई करोगे चीज़ों को, तभी आपके पास जो है रिजल्ट आना जो है चालू होंगे। सो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम आपको मिल जाएगा। फोकस आपका होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग के ऊपर, तभी आपकी अर्निंग हो पाएगी।